हर कोई एप्पल एआई के बारे में बात कर रहा है एंड आई एम अ नोबडी बडी नोबडी। खैर, एप्पल WWDC में काफी सारी नई अनाउंसमेंट्स हुई और मेरा फोकस बस एआई वाले पार्ट पे रहेगा। और आपको एआई के अलावा दूसरी चीजों में रुचि है तो नेट पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, वहां जाके देख लीजिएगा। सो सबसे पहले, अगर आपके पास ये डिवाइसेस नहीं है तो भूल जाओ, फिलहाल के लिए तो नहीं चलेगा। यू हैव टू बी प्रो एट एवरी लेवल, जिंदगी से लेके खर्चे में भी। एवरेज चीज और लोगों की कहीं रिस्पेक्ट नहीं है। नाउ एप्पल विजन प्रो, इसमें कुछ माइनर अपडेट्स हैं लाइक रिस्ट टर्न जेस्चर टाइम और बैटरी परसेंटेज देखने के लिए। वाओ, व्हाट अ इनोवेटिव, व्हाट अ वाओ, व्हाट अ वाओ। इसी के साथ कुछ नए इमर्सिव अपडेट्स आए हैं लाइक नाउ यू कैन गेट मोर डेप्थ एंड कंट्रोल, रेजोल्यूशंस बढ़ा दिए हैं जिससे इसे बड़ी स्क्रीन पर देखने में बड़ी आसानी होगी, पिक्सल्स नहीं फटेंगे। इसी के साथ स्पेशल फोटोज भी है जिसमें आप आपकी गैलरी में अवेलेबल फोटोज को काइंड ऑफ 3D में कन्वर्ट कर पाएंगे, जिससे होगा ये कि इसे देखने पर आपको एकदम रियल लाइफ वाली फीलिंग आएगी। आहा, जैसे कि खड़ा हूँ आज भी वही कि फिर से बेकरार है। आयरनी देखो आज के समाज की सामने नजारों का व्यू लेने की जगह फोटोज और वीडियोस उतारते हैं, ज्यादातर उस मोमेंट में नहीं जीते हैं। एंड अब एप्पल विजन प्रो, इसमें ये फीचर आ गया कि प्लेन और सिंपल सी फोटोज को इमर्सिव बना देंगे और आपको लगेगा कि आप वहीं पे हैं। यू कैन रिलीव द मेमोरीज। तथ्य ठोक रहा है लड़के। यार मेरी इन बातों का कोई मतलब नहीं बनता, तो बनते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे एआई सेक्शन पे। एप्पल इंटेलिजेंस, इसको सीरीज से कंफ्यूज मत करना, बल्कि एप्पल के जितने भी एआई पावर टास्क होंगे उन्हें करने में ये हेल्प करेगा। इसमें बहुत सारे मॉडल्स हैं जिसके बारे में एप्पल ने कुछ भी नहीं बताया है, लाइक डिफ्यूजन मॉडल्स, जनरेटिव मॉडल्स और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, और इन सब का यूज थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस भी कर पाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद अ कैलकुलेटर। इसका डेमो देते वक्त बोला तो नहीं कि एआई है, बट वीडियो देखो आइडिया लग जाएगा। एंड एज दे से, चेंजिंग द वे यू डू मैथ। मैथ नोट्स, आईपैड के कैलकुलेटर में एप्पल पेंसिल प्रो, इसकी हेल्प से एडवांस तरीके से मैथ सॉल्व करना, और जब आप डिजिट्स या कोई फंक्शन चेंज करोगे तो ये रियल टाइम में उसका सॉल्व करके देगा आंसर। दिस इज द डिजिटलाइजेशन आई वॉन्ट, वही पुराना बोरिंग तरीका नहीं। मैंने आज से पहले कभी भी इस तरह से मैथ सॉल्व नहीं की, वही अपना ट्रेडिशनल मेथड पेन और पेपर। और मुझे ये भी नहीं पता कि शायद ऐसी कोई ऐप है जो ये कर सके। क्या है ऐसी कोई ऐप? कमेंट डाउन द नेम प्लीज। एंड द नेक्स्ट वन इज स्मार्ट स्क्रिप्ट, बेसिकली आपकी हैंडराइटिंग कैसी है ये सीख जाएगा, एंड देन आप नेक्स्ट टाइम जो भी लिखोगे उसे अच्छे से आपकी हैंडराइटिंग में कन्वर्ट कर देगा। एंड इसमें और भी फीचर्स हैं लाइक टेक्स्ट कहीं से भी कॉपी करो और यहाँ लाके पेस्ट, वो इसे आपकी हैंडराइटिंग में बदल देगा, स्पेलिंग्स चेक कर देगा, एंड दीज टू थिंग्स आल्सो होल्ड विद योर एप्पल पेंसिल एंड योर टेक्स्ट विल फ्लो आउट ऑफ द वे टू क्रिएट मोर स्पेस। इफ यू वांट टू इरेज समथिंग यू कैन जस्ट स्क्रैच इट आउट। Now here comes the AI powered tasks. First is prioritize your notifications. Distractions हटाने को मांगता है अपनी लाइफ में से, जिससे आप फोकस कर पाए जरूरी कामों पे। Second thing is writing tools, या आपको लिखने में, प्रूफ रीड करने में, समराइज करने में, etc. हेल्प करेगा, जो आप ग्रामरली की हेल्प से कर सकते हो, बट दैट्स नॉट अ बिग डील। बट मे बी ये इंटीग्रेटेड हो, आपको एक्स्ट्रा ऐप डाउनलोड करने की जरूरत ना पड़े, सो दैट्स अ गुड थिंग। द नेक्स्ट वन इज फॉर जेन जी, वही यूज करने वाले हैं भाई, हमारी तो उम्र हो गई। इसमें जो आपकी फोटोज लाइब्रेरी में अवेलेबल है उन्हीं को क्रिएटिव वे में रीजनरेट करके एक पर्सनलाइज्ड येट स्पेसिफिक मैसेज सेंड कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल बर्थडे विशेष के लिए, और भी कोई ओकेजन हो तो उसके लिए भी। एंड नाउ सम अपडेट्स ऑन सीरी, पहला अपडेट ये। राइट ऑफ द बैट यू'ल सी सीरीज गॉट अ न्यू लुक, लेट मी शो यू। When you talk to Siri, you'll notice it's more deeply integrated into the system experience with this elegant glowing light that wraps around the edge of your screen. दूसरा कि आप बोलने की जगह लिख के भी कमांड दे सकते हो। Great is that now, at any time, you have the option to type to Siri. With just a double tap at the bottom of the screen, I can quickly and quietly ask Siri to set an alarm. And you can switch between text and voice, communicating in whatever way feels right for the moment. And third one is ki ye iPhone, iPad aur Mac OS iske jitni bhi settings hain un pe trained hai, to aapko kisi feature ya kaam karne mein takleef ho to Siri se pooch lo ki kya hum kaise karna hai, wo bata degi. And this one feature is also good ki koi bhi photo dekhni hai to use bata do ye chahiye ya use laake de degi, and chaho to bol ke halka phulka edit bhi kar sakte ho. Uske baad jo inhone dikhaya wo Windows PC ke recall feature jaisa lagta hai. What I mean is ki aap Siri se bol ke cheeze recall kar sakte ho jo cheez aap bhul gaye ho, like ki aapke dost ne book
रेकमेंड की थी, अब वो मेल में थी, व्हाट्सएप पे थी या फोटो भेजी थी, ये ढूंढ के बता देगी और फॉर्म भरते टाइम आपको ड्राइविंग लाइसेंस की आईडी नंबर भी भर देगी। सो द जिस्ट ऑफ द सीरी इज कि शी इज माय आइडियल लेडी, जो काम बोलो वो करके देगी बिना नानुकर किए। व्हाई वुड यू से समथिंग सो कंट्रोवर्शियल येट सो ब्रेव? द जिस्ट इज कि आपके फोन में कोई भी इवेंट, मेल या फोटो एक्सेट्रा जो भी हो, ये उसे रिकॉल करके बता देगी ये चीज यहाँ पर है, या ये फ्लाइट की टाइमिंग कितने बजे है, या बच्चे की पीटीएम कितने बजे और किस दिन पर है। मीन्स योर पर्सनल डेटा जो भी है उसे एक्सेस करके आपको जवाब देगी लाइक चार्विस, बट फीमेल वर्जन, आई थिंक, हु नोस। नेक्स्ट इज जेन मोजी, जनरेटिव मोजी, खुद के इमोजी बना सकते हो और इन्होंने इमेज प्लेग्राउंड नाम का कुछ बनाया है, इसमें आप खूब सारे इमोजीज एंड इमेजेस जनरेट कर सकते हो। एंड द क्वेश्चन इज यूज कौन करेगा, लाइक द नेम सजेस्ट, जेन जीमोजी। एंड यस, ओपन एआई और एप्पल ने पार्टनरशिप कर ली है। अगर आपको कोई ऐसा टास्क करना है जो एप्पल इंटेलिजेंस की हद से बाहर है और चैट जीपीटी उसे अच्छे से कर पाएगा या सिर्फ वो ही कर पाएगा, तो आपको परमिशन देनी पड़ेगी कि यस यू कैन परफॉर्म द टास्क। बेसिकली ये प्राइवेसी के लिए है क्योंकि एप्पल डजंट वांट योर डेटा। क्या जोक मारा भाई, मजाक। एंड इस वीडियो, मेरी नहीं एप्पल वाली वीडियो में सिक्योरिटी और प्राइवेसी इसको लेके काफी बातें की गई हैं, बट वी ऑल नो हाउ फक्ड अप ओपनएआई प्राइवेसी पॉलिसीज आर और एनी अदर कंपनीज। सो मुझे इनके इस पॉइंट पे थोड़ा डाउट है, बाकी आप क्या सोचते हैं इसके बारे में बताइएगा जरूर। एंड लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज, अब आप आइकन्स और थीम कस्टमाइज कर सकते हैं एंड उसी के साथ वॉलपेपर का जो कलर है उस कलर के आइकन्स भी बना सकते हैं। आई मीन मेरी समझ से तो बाहर है, मैं तो डिफॉल्ट ही यूज कर रहा हूँ सब, या फिर मेरी पूरी लाइफ ही डिफॉल्ट मोड पर चल रही है, कुछ चेंज ही नहीं हो रहा यार, सब्सक्राइब कर लो। सो चलो भाई यार, ऐसी बातें करूंगा तो डिप्रेशन में आ जाऊंगा। सी यू लेटर एलिगेटर, दैट्स अ वेरी बैड मैनर टू एंड द वीडियो।